इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में बुधवार को हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मंदिर पश्चिम एशिया में आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है। इस मंदिर के 7 शिखर हैं जो 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में खाड़ी देश के लिहाज से ऊँटों की नक्काशी और राष्ट्रीय पक्षी बाज भी पत्थरों पर बना हुआ है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहवा के पास बोचान स्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS की ओर से निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना है। आपको बता दें, इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए मंदिर के उद्घाटन में एक साथ 1500 मंदिरों में आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। और इन्होंने सिर्फ यहां नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। मैं इस मंदिर के विचार से लेकर एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के, स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ, यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसलिए मैं जानता हूं कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को, भारत यूएई रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने। मुझे याद है जब मैं 2015 में यूएई में यहां आया था।